सरकार ने हिम्मत दिखाई है कि किसान की लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य उनको देना, इसके साथ साथ सभी फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा करने का भी एक फैसला भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। ऑपरेशन ग्रीन के तहत आलू, टमाटर और प्याज कई बार किसानों को रोने का सबब बनते थे, उसके लिए भी 500 करोड़ रुपया, और इसमें जब राज्यों के ऐड होंगे तो ये रकम बहुत ज्यादा हो जाएगी देश की, इसके लिए आवंटित किया गया है। ग्रामीण हाट कृषि बाजार के लिए भी 2000 करोड़ रुपए का एक विशेष प्लानिंग किया गया है। फूड प्रोसेसिंग के लिए 1400 करोड़ रुपया दिया गया है। राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए लगभग 1300 करोड़ रुपए का प्लानिंग किया गया है, जिससे न केवल बांस का आयात कम होगा, छोटी जोत वाले किसानों के लिए एक कम मजदूरी वाली, कम लागत वाली खेती के लिए बांस का विकल्प खुला होता है। कृषि क्षेत्र में संस्थागत कर्ज के लिए जो राशि थी उसको बढ़ाकर अब 11 लाख करोड़ तक ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं पार्टी की ओर से उसकी बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। कृषि उत्पादन के साथ, कृषि उत्पाद की प्रोसेसिंग के साथ जुड़ी हुई कंपनियों में टैक्स के राहत की भी घोषणा की गई। मछली पालन के लिए 10,000 करोड़ का दो योजना बनाने की बात की है, जो किसानों की आय दोगुना करने के योजना का एक हिस्सा रहेगी। और पशुपालन के लिए भी और मछली पालन के करने वाले किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की घोषणा कर उनको अच्छे तरीके से ऋण मिले, इसकी व्यवस्था करी है। इसके साथ साथ शहरों में रहने वाले हमारे देश के नागरिकों को एक घंटा भी अगर बिजली चली जाती है तो बहुत बड़ी परेशानी होती है, और दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी। मई तक गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो जाएगा। अब सरकार सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और 2022 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया जाएगा, और इसके लिए इस बजट के अंदर बहुत बड़ी राशि का आवंटन किया है। आयुष्मान भारत एक नया विचार प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से देश के सामने रखा है। हर व्यक्ति स्वास्थ्यवान हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, नए भारत की जो कल्पनाएं हैं उसमें से एक कल्पना है। इसको साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर गरीब परिवार के लिए, लगभग 10 करोड़ परिवारों के लिए, परिवार के 5 लाख रुपए की बीमा की व्यवस्था करी है। मैं मानता हूं करीब देश के 40 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना के तहत अपने आप को ये लाभ को पाने के लिए समर्थ कर पाएंगे, और इस योजना का इतना अच्छा प्रतिभाव जनता में आता है कि आज काफी कार्यकर्ताओं के पास से मैं फीडबैक लेता था तो आयुष्मान भारत जैसे शब्द की जगह जनता में ये योजना अभी से नमो केयर के नाम से जानी जाती है। बहुत अच्छा प्रतिभाव इस योजना को आज मिला है। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 24 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी इस बजट के अंदर प्रावधान किया है, और लक्ष्य रखा गया है कि हर 3 लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज 2022 तक खोला जाएगा। 2022 तक हर आदिवासी जिले में एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल बनाई जाएगी। वडोदरा के अंदर रेलवे यूनिवर्सिटी का गठन किया जाएगा, जिससे द्रुत गति से चलने वाली ट्रेन, मेट्रो और रेलवे के सुधार पर R&D का काम भी होगा और इसको आगे बढ़ाने की भी बात होगी। ग्रामीण विकास और डिजिटलाइजेशन के लिए भी बहुत सारा योजनाएं सरकार लेकर आई है। लगभग 14.34 लाख करोड़ रुपया ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित किया गया है। 5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड को पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें बड़ा हिस्सा इसी वित्तीय वर्ष के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा। देश भर के अंदर 6 करोड़ शौचालय और बनाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं मानता हूं
कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो स्वच्छता के लिए एक अभियान उठाया है, इसकी दिशा में एक उसको सफल करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। देश के 115 जिले चिन्हित कर लिए गए हैं जो विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, वो 115 जिलों के लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी जो सबसे पहले जिले हैं इसके समकक्ष ये अंतिम 115 जिलों को पहुंचाने के लिए भी एक बहुत बड़ी राशि का आयोजन प्लानिंग इसके अंदर किया गया है। इसके साथ साथ सड़कों को जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। रेलवे के लिए लगभग 1,48,000 करोड़ रुपया गत वर्ष से 20,000 करोड़ के करीब करीब राशि ज्यादा आवंटित की गई है। 3600 किलोमीटर पटरियों के नवीनीकरण का एक लक्ष्य रखा गया है और रेलवे के 4000 किलोमीटर के क्षेत्र को विद्युतीकरण से आधुनिक बनाने के लिए भी लक्ष्य रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 5.97 लाख मतलब 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का निर्धारित किया गया है। 9000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए भी किया गया है। 124 एयरपोर्ट जो अभी है वो 124 एयरपोर्ट से बढ़ाकर 5 गुना बढ़ाकर देश को उड़ान योजना के माध्यम से आम आदमी को जोड़ने के लिए उड़ान योजना के तहत उसको फायदा पहुंचाने की योजना भी बनाई गई है। ग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए 2600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एमएसएमई 100 करोड़ टर्नओवर वाली किसान कंपनियों को लगभग 100% कर में रियायत दी गई है। टेक्सटाइल के लिए 1750 करोड़ के पैकेज के माध्यम से रोजगारी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं।